सुजीत कुमार राष्ट्र की आवाज से आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हूँ कि नगर परिषद में लगातार लोगों का रुझान अपने प्रत्याशियों को जिताने के पीछे लगा हुआ है। हमारे सहयोगी बबलू पासवान से ये जानने के प्रयास में है कि अगर नगर परिषद के चुनाव में वे उम्मीदवारी में खड़े होते हैं तो बबलू पासवान किस तरीके से अपने लोगों को रिझाने का काम करेंगे अथवा उन्हें नगर परिषद में जीत कर आने के बाद उनके जो मन में प्रतिस्पर्धा और उनके कामों को लेकर के जो रुकावट बनी थी उसे कैसे पूरा करेंगे, मैं जानूंगा अपने संवाददाता से। तो आइए जानते हैं सारी रिपोर्ट अपने संवाददाता और सहयोगी से। राजा का दो नंबर वार्ड से आते नगर परिषद से और हम चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं और एक नंबर वार्ड से अभी हम एक नंबर वार्ड में बैठे हैं। जैसे हमने अगले पिछले इंटरव्यू में बताया था कि हमने झाझा का जनता का बेहतर विकास कराया और वही विकास के माध्यम से हमने एक नंबर वार्ड में आए हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट हमें दें और हम आपका बेहतर से विकास करेंगे। नाली का पानी जो अभी इसका नदी में जाना चाहिए, आप देख लीजिए कि इसका पानी गाँव में ही रहा है कहीं पे आइए। एक नंबर वार्ड का बात नहीं है, आप किसी भी राशि किसी भी कॉलोनी में चला जाएगी आपको दो नंबर वार्ड हो या तीन नंबर वार्ड हो नौ नंबर हो आप कहीं भी आपको पानी का ये जो जल नल का योजना का सही फायदा जनता नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो पिछले सरकार के कारण है। इसके अलावा और विकास का क्या क्या मुद्दा है आपके पास? विकास जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं उसका लिस्ट आते ही पहले जनता को पता चलता है कि आपका लिस्ट तो सरकार भेज देते हैं लेकिन उसको दबा लिया जाते हैं और बाद में उसको बताते हैं कि आपको इतना देना पड़ेगा तो आपका घर पास होगा। सही बात है। और क्या क्या विकास वहाँ सोखा चाहिए वहाँ सोखा लेकिन सोखा नहीं है कहीं। सर यदि जनता एक बार मौका आपको दे और आप जीत जाते हैं तो पहला विकास क्या होगा? पहला विकास हमारा जल नल का होगा। ईमानदारी से बोलिएगा। जल नल का ही होगा सबसे पहले क्योंकि जल को बचाना है, व्यर्थ पानी जा रहा देख लीजिए कहीं भी। स्वच्छता पर आप क्या बोलना चाहेंगे? स्वच्छ पर हम बेहतर ध्यान देंगे, सड़क पे रोड पे और अभी जैसे कि वो गांव गरीब पिछड़े हम तो पिछड़े से आते हैं। जैसे बहुत सा जनता कहते हैं देखिए हम आए हैं गरीब पिछड़ा का वोट चाहिए हम आपका विकास करेंगे या करेंगे वह करेंगे लेकिन जब वोट लेने के बारी बाद में वो पहचानते नहीं। इस बार हम अति पिछड़ा पिछड़े से आते हैं और हमको आप वोट कीजिए हम आपको बेहतर विकास करके दिखाएंगे। जनसंपर्क के द्वारा जनता से क्या नाम हुआ पूछा आपका? मेरा नाम अब्दुल अब्बास इंसानी है। क्या लगता है आपको कि बबलू पासवान जी को अगर आप नगर परिषद का चेयरमैन बनाते हैं तो विकास होगा? उम्मीद तो है, पूरा उम्मीद है। हाँ पूरा उम्मीद है। बढ़िया से बढ़िया विकास कर सकते हैं? हाँ हाँ क्योंकि यह घर का लड़का है जी। हाँ हम लोग का भतीजा और समाज में ये इनका योगदान रहता है, समाज का काम करते हैं है ना? हाँ जी बबलू पासवान विकास करेगा जी, उम्मीद पक्का है, विश्वास पूरे गांव हमारे सभी आप लोगों का पूरा समर्थन है इनके पूरा समर्थन है जो हमारे पूरे और झाझा का भी समर्थन हमारे पूरे है ना? बहुत जगह गई है सब अपना पाना है। झाझा का बढ़िया से बढ़िया विकास करेंगे और झाझा का नाम रोशन करेंगे, एकदम रोशन होगा। क्या क्या नाम बताए? श्री सरजू रजक। कहाँ घर है? सोजाना। सोजाना से है सरजू रजक। क्या लगता है आपको कि बबलू जी विकास बढ़िया से बढ़िया करेंगे? बढ़िया से विकास करेंगे, नया लड़का है अभी छोकरा है खूब बढ़िया से काम करेंगे, बढ़िया से बढ़िया रोड बनाएंगे नाला बनाएंगे। हाँ नाला बनाएंगे। साफ सुथरा हर वार्ड को रखेंगे? साफ सुथरा हर वार्ड को रखेंगे। खेल परिसर पर ध्यान देंगे? खेल परिसर पर ध्यान देंगे। अच्छा क्या लगता है आपको कि बबलू जी इस जो वादा कर रहे हैं इस पर खरा उतरेंगे? हम लोग के बबलू जी यही है कि घर के हैं जी, दो नंबर वार्ड के हैं, वो काम हम लोग के करेगा बढ़िया से। और फर्स्ट में नल्ला जी दे और गरीब पे देखा एक नंबर वार्ड से। क्या नाम है चाची आपका? बता दे। सैतून निशा। क्या लगता है आपको कि बबलू जी झाझा नगर परिषद के प्रत्याशी हैं? ये बढ़िया प्रत्याशी हैं, विकास करेंगे, काम करेंगे बढ़िया से, रोड नाला साफ सफाई पर हर तरह का काम करेंगे? हाँ, सबसे अच्छा करेंगे।
सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। चलिए ठीक है, हसीना खातून क्या लगता है आपको कि बबलू जी झाझा का अच्छा से विकास करेंगे? करेंगे, इन्हीं को वोट देना है। चलिए ठीक है, बबलू जी वार्ड परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी है, इनको आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? पूरी तरह से, एकदम दिल से, दिल से। क्या बबलू जी निस्वार्थ समाज सेवा करते हैं? ऐसा ही चाहिए नवयुवक, ऐसा ही युवा चाहिए, युवा चाहिए। कि हर मन धन धन से सबसे काम करे, हमको यही चाहिए कि हमारा हर चीज में युवा ही हो, समाज में इनका योगदान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, भरपूर मात्रा। जब भी आप लोग इनको याद करते हैं ये हाजिर हो जाते हैं। बिल्कुल, जब हो, रात हो, दिन हो, भोर हो, विंटर हो, हमेशा एक फोन किया जाए, बस इसके बाद सूचना जाना चाहिए कि वो हमेशा हाजिर होते हैं, हर चीज से समझ से हाजिर होते हैं। हमारा ही होना ही चाहिए, ऐसा ही नेता चाहिए, हमको नेता ऐसा ही होना चाहिए। यानी एक नंबर, और जहाँ भी इनके साथ जा रहे हैं करीब करीब हर जगह बहुत अच्छा आ रहा है रुझान, हर तरफ इनका सपोर्ट रहेगा, हमारे तरफ से भी रहेगा, एक नंबर वार्ड से भी रहेगा, और वो बाकी तो उम्र एक मैंने जैसा है बबलू जी पासवान का मेरा जी। तो ये नौजवानों के लिए आप पहले भी जिक्र हो चुका है नाला जी, अभी 4-5 दिन से नाला सड़क साफ सफाई नल जल में 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा है जी। बाथरूम उधर बन के खड़ा है जी, उसमें ताला लगा था। अच्छा, तो अगर चेयरमैन कोई मजबूत होता तो ये सब चीज देखता जी, देखने वाला तो है नहीं। बाथरूम में ताला लगा, ताला लगा, शौचालय जो बना है, शौचालय आज तक नहीं खुला है, नहीं खुला आज तक नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा कब बना, कब बना, कब बना ये शौचालय, मतलब 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। इसके पहले वार्ड मेंबर कौन था वर्तमान, अभी इससे पहले अभी जो थे, अभी कौन है वार्ड कमिश्नर आपका? अभी तो केदार पासवान है, उससे पहले इनके रीजन में बना है। हाँ, इन्हीं के कार्यकाल में बना है। तो इनसे पूछा नहीं गया कि आप क्यों नहीं ताला खुलवाए, क्यों नहीं चालू करवाए? आप काम उनका है कि मैंने, चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली हसन। बबलू जी जान कितना दिन से जानते हैं? जलाम पैदा सब तो यही हुआ हम लोग सामने। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली हसन। बबलू जी कैसे प्रत्याशी लगते हैं आपको? हमारे घर का है, घर का है, गांव के हैं, विकास करेंगे जीतने के बाद, तो अभी सब वादा करते हैं सर। अच्छा, मगर जीतने के बाद कुछ उम्मीद बदल जाता है। अच्छा, विश्वास तो आपको क्या लगता है कि जीतने के बाद ये विकास नहीं करेंगे? नहीं जी, करेंगे, करेंगे। गांव का है, नहीं देंगे तो हम लोग इसका गांव घर पर चढ़ कर, हाँ, चढ़ के करवाएंगे। दूसरा नंबर हमारा गांव का जैसे कब्रिस्तान है, बाउंड्री दे रहे हैं हम लोग, न किसी से चंदा लिए, न किसी से, अपना मेहनत मजदूरी से कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें आकर के गिरा देते, 3 बार गिरा चुका है। अच्छा, और चौथा बार फिर धमकी दे दी। अच्छा, उन लोगों को हम लोग प्रचार दिए कि आगे जो कुछ होगा अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ का मामला है? सोहजनक है, बोढ़न यादव का बेटा है, उसको प्रचारते हैं, बच्चा वो आवारा है, ऐसे है, वैसे है, कुछ अभी नहीं ले रहा।